हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टेक न्यूज़ के एक और नए और बिल्कुल फ्रेश एपिसोड में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश टेक न्यूज़ की बात। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी फर्स्ट और पहली न्यूज़ निकल कर आती है वो निकल कर आती है रेडमी की तरफ से। तो दोस्तों, जो रेडमी का नया अपडेट होने वाला था MIUI 12, उसको रेडमी ने चाइना में लॉन्च कर दिया है। जो चाइना वेरिएंट है वो वहाँ के लोगों को मिलने लगा है। और दोस्तों, जो इस MIUI 12 का ग्लोबल मार्केट वेरियंट होने वाला है वो कंपनी ने कहा है कि वो 19 मई को लॉन्च कर देगी ग्लोबल मार्केट में। तो चाइना में लॉन्च हो चुका है, ग्लोबल मार्केट में 19 मई को लॉन्च होगा। तो उम्मीद है कि इंडिया में भी ये MIUI 12 का अपडेट बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। तो ये जो MIUI 12 है, ये बहुत से नए और बहुत से कमाल फीचर के साथ हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि हमें बहुत ही जल्द इंडिया में भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जो हमारी आज की सेकंड न्यूज़ निकल कर आती है वो निकल कर आती है पोको की तरफ से। हाँ जी दोस्तों, जो पोको है वो अपना नया फ़ोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो कि है पोको F2 प्रो। दोस्तों, ये जो पोको F2 प्रो हमारा स्मार्टफोन होने वाला है, ये पोको F2 प्रो हमें 12 मई को देखने को मिलेगा। हाँ जी, कंपनी ने कह दिया है कि पोको F2 प्रो को वो 12 मई को लॉन्च करेगी। और जो इसकी प्राइस हो सकती है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी प्राइस 47,000 के आसपास की होनी चाहिए। अभी कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन हो रही है वो हो रही है 47,000 के आसपास की इसकी प्राइस होनी चाहिए। और दोस्तों, जो इसके प्रोसेसर की बात करूँ, आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा पोको F2 प्रो में, वो आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, Snapdragon 865। और दोस्तों, इस पोको F2 प्रो स्मार्टफोन में आपको एक और कमाल का फीचर देखने को मिलने वाला, जो कि होने वाली लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। हाँ जी दोस्तों, इस पोको F2 प्रो में आपको देखने को मिलेगी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। और दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा कमाल की न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि ये न्यूज़ होने वाली है हुआवे की तरफ से। दोस्तों, हुआवे ने एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का काम कर दिया है। जो हुआवे है, हुआवे ने चाइना मोबाइल के साथ मिलकर जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट पर एक टावर सेट करा, जो कि है एक 5G टावर। हाँ जी दोस्तों, हुआवे कंपनी ने चाइना मोबाइल के साथ मिलकर माउंट एवरेस्ट पर एक 5G टावर सेट करा है। तो दोस्तों, ये हुआवे ने एक बहुत ही बड़ा काम करा है चाइना मोबाइल कंपनी के साथ मिलकर, कि माउंट एवरेस्ट पर एक टावर बिल्ड करा है, यानी टावर सेट करा है, जो कि होने वाला है एक 5G टावर। हाँ जी दोस्तों, इसकी जो मैं आपको स्पीड की बात करूँ, हुआवे कंपनी ने बोला है इस 5G टावर की स्पीड होने वाली है मैक्स स्पीड 1.75 GB की पर सेकेंड, यानी 1.75 GB पर सेकेंड की स्पीड इस टावर की आपको मिलने वाली है। जो डाउनलोडिंग स्पीड होगी वो होगी 1.75 GB पर सेकेंड, और जो अपलोडिंग स्पीड होगी वो होगी 215 यानी 215 MB पर सेकेंड की। तो ये बात सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि माउंट एवरेस्ट पर एक टावर सेट हुआ है, जो कि होने वाला एक 5G टावर। तो यार, बहुत अच्छा काम करा है हुआवे ने चाइना मोबाइल के साथ मिलकर, बहुत ही ज़्यादा कमाल का काम करा है। तो दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आती है वो निकल कर आती है आईफोन की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी पिछले दिनों लॉन्च हुआ है आईफोन का नवा फ़ोन, जो कि था iPhone SE 2020, जिसको कहते हैं iPhone SE 2 भी। ये दो नाम से लोग इसको बुलाते हैं, iPhone SE 2 एंड iPhone SE 2020। तो दोस्तों, ये iPhone SE 2020 जो होने वाला है, ये फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो गया है, यानी अभी सेल के लिए तो इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन फ्लिपकार्ट पर लिस्ट कर दिया गया है। अभी कोई सेल डेट नहीं बताया कि इंडिया में सेल के लिए कब स्टार्ट होगा, लेकिन फ्लिपकार्ट पर लिस्ट कर वहाँ पर एक नोटिफाई बटन दे दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर आप सब्सक्राइब हो जाते हो वहाँ पर, और जब भी ये फ़ोन लॉन्च के लिए अवेलेबल होगा वहाँ पर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये iPhone SE 2020 बहुत ही जल्द, यानी कि इससे पता लग जाता है कि बहुत ही जल्द हमें इंडिया मार्केट में देखने को मिलेगा, आप बाय कर सकेंगे। लेकिन अभी तक कोई लॉन्चिंग डेट इसकी सामने सॉरी अभी तक कोई सेलिंग डेट इसकी सेल करने की डेट सामने नहीं आई है, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट पर लिस्ट कर दिया गया है, वहाँ पर नोटिफाई बटन दे दिया गया है। तो उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इसको सेल के लिए भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आती है वो निकल कर आती है वीवो की तरफ से। तो दोस्तों, जो वीवो का नया स्मार्टफोन होने वाला है वीवो V19, उसकी भी लॉन्च डेट हमारे सामने निकल कर आ गई है। ये जो वीवो V19 होने वाला है, ये लॉन्च होने वाला है 12 मई को। हाँ जी दोस्तों, वीवो का नया स्मार्टफोन वीवो 19 भी 12 मई को हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये जो वीवो V19 स्मार्टफोन होने वाला है, जो इसकी प्राइस एक्सपेक्ट करी जा रही है कि आपको ये देखने को मिलेगा 20,000 के आसपास। तो दोस्तों, अभी
अभी इसकी प्राइस कंपनी की तरफ से तो कोई सामने नहीं है कि क्या होगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन करी जा रही है वो करिए 20,000 के आसपास आपको वीवो V19 मार्केट में देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 712 यानी 712। और इसमें जो बैटरी देखने को मिलेगी वो मिलेगी 4500 mAh की विथ 33 वोट की फास्ट चार्जिंग। तो 33 वोट की फास्ट चार्जिंग इसमें देखने को मिलती है वीवो V19 में विथ 4500 mAh की बैटरी। तो बैटरी कैपेसिटी एंड चार्जिंग सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके कैमरा की बात करें तो आपको इसमें बैक में 4 कैमरा यानी क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको इसमें 2 कैमरा देखने को मिलेगा यानी ड्यूल कैमरा सेटअप फ्रंट में देखने को मिलते हैं जो कि होने वाले एक पंच होल डिस्प्ले के अंदर। हाँ जी दोस्तों, आपको फ्रंट में ड्यूल कैमरा देखने को मिलेगी जो कि होगी ड्यूल पंच होल डिस्प्ले के अंदर। दोस्तों आपको इस वीवो V19 में फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल सकती है। और जो आपको इसमें इसकी स्क्रीन देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी एमोलेड डिस्प्ले एंड आपको इसमें पंच होल डिस्प्ले तो देखने को मिल रही है यानी ड्यूल पंच होल इसमें देखने को मिल ही रहा है। तो दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट और आखिरी न्यूज़ निकल कर आती है वो निकल कर आती है सैमसंग की तरफ से। तो दोस्तों जो सैमसंग कंपनी है वो लॉन्च करने जा रही है अपना एक नया प्रोडक्ट जो कि होने वाला है एक सैमसंग का डेबिट कार्ड। हाँ जी दोस्तों, अभी तक जो आप लोग यूज़ कर रहे थे वो आप यूज़ कर रहे थे सैमसंग पे जो कि एक मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर था जो कि वर्क करता था ओनली सैमसंग के स्मार्टफोन्स में। अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते थे तो आप लोगों को पता होगा कि अभी तक चल रहा था सैमसंग पे सॉफ्टवेयर, लेकिन अब जो सैमसंग है वो बहुत ही जल्द लॉन्च करने जा रहा है अपना एक नया डेबिट कार्ड। दोस्तों जो सैमसंग अपना नया डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा इससे आप इस डेबिट कार्ड को आप एक नॉर्मल डेबिट कार्ड की तरह यूज़ कर पाएंगे यानी इससे आप शॉपिंग वगैरह और भी बहुत कुछ कर पाएंगे। तो देखते हैं कि हमें कब तक सैमसंग का नया ये डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। अभी तक तो कोई लॉन्च वगैरह को लेकर बात सामने नहीं आई, लेकिन सैमसंग ने कहा है कि अभी आप यूज़ कर रहे हैं सैमसंग पे ऐप, लेकिन बहुत ही जल्द आप लोग यूज़ करेंगे सैमसंग का डेबिट कार्ड। तो दोस्तों इंतज़ार रहेगा हमें सैमसंग के डेबिट कार्ड का, और मुझे उम्मीद है कि सैमसंग लॉन्च करे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नए बढ़िया फीचर्स के साथ इस डेबिट कार्ड को लॉन्च करेगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतनी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।